फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सॉरी, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल अभिमन्यु में। दोस्तों, आज की वीडियो में सबको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से अपने जेलब्रोकन कंसोल पर जो है मीडिया प्लेयर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी मदद से आप अपने कंसोल पर आप MP3 सॉन्ग्स, MP4 वीडियोज़ और फुल HD वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ दिए बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लेटेस्ट वीडियोज़ मेरी सबसे पहले देख सकें। सबसे पहले दोस्तों, हम जाएंगे यूज़र गाइड पे। यूज़र गाइड 5.05 और हम करेंगे हैंड 1.8। तो मैंने इसको पहले से इनेबल करके रखा हुआ है, तो मैं अभी नहीं करूँगा। विंडो को हम कर देंगे क्लोज़। फिर हम नीचे जाएंगे डीबग सेटिंग्स में, गेम पैकेज इंस्टॉलर में, और जो है हम यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे अपने मीडिया प्लेयर ऐप की PKG फाइल। अगर आपको नहीं पता कि ये हम मैं PKG फाइल कहाँ से लाता हूँ, दोस्तों ये एक वेबसाइट है PSX हैक्स कर, वहाँ पे ये सब मॉडेड स्टफ्स मिल आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो आप वहाँ से जाके आप इनकी PKG फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम इसे करते हैं इंस्टॉल और इसे करेंगे यस। तो ये बहुत छोटी सी ऐप थी, तो ये डाउनलोड भी हो गई है। हम बैक जाएंगे और देखते हैं ऐप आया। दोस्तों, ये रहा मेरा मीडिया प्लेयर ऐप, यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ चुका है, इट्स रेडी टू यूज़। दोस्तों, आपको अगर आपको नहीं पता कि YouTube किस तरह से हम चलाते हैं अपने जेलब्रोकन कंसोल पर, तो मैंने इसको मैंने पूरी एक वीडियो मैंने बनाकर रखी है। तो इस वीडियो का मैं लिंक जो है वीडियो के एंड में और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये रहा मीडिया प्लेयर ऐप, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये ओपन हो चुका है मीडिया प्लेयर ऐप, और इसमें मेरी जो हार्ड ड्राइव है ये डिटेक्टरली है सीगेट एक्सपेंशन। तो यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स आ चुके हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप अपनी हार्ड ड्राइव या अपनी पेन ड्राइव कनेक्ट कर रहे हैं अपने कंसोल के साथ कोई भी कंटेंट देखने के लिए, तो आपके हार्ड ड्राइव या आपकी पेन ड्राइव के अंदर ऐसे फोल्डर्स बने होने चाहिए दोस्तों। बिकॉज अगर आप सीधा रूट में डालेंगे वीडियोज़ या फोटोज़ कुछ भी, तो जो कंसोल है वो उसको रीड नहीं कर पाएगा। कंसोल को रीड करने के लिए फोल्डर्स चाहिए। तो जैसे कि मैंने अपने एंड में मैंने फोल्डर बनाया हुआ है वीडियोस कर, उसको ओपन करते हैं। तो उसके अंदर मैंने वीडियो डाली हुई है एक, आप सबको दिखाने के पर्पज़ से, बट मैं ये आपको दिखा नहीं पाऊँगा, बिकॉज अगर मैं आपको दिखाऊँगा तो मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। दोस्तों, इसी तरीके से आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर रिसेंट प्लेट पर जाऊँ, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ऑप्शन म्यूज़िक के, वीडियो के और फोटोज़ के, फोटोज़ देखने के लिए आप फेवरेट्स पे भी सेम ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। तो इसी तरीके से आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और आप पिक्स भी देख सकते हैं। अब हम एप्लीकेशन कर देंगे क्लोज़। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी एक मेरी Q&A वीडियो। तो आपके जो भी आपके सवाल हैं मुझे नीचे लिख के बताइए, कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट कीजिए, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन सबके जवाब देने में खुशी रहूँगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अलविदा।